ऑल ऑफ यू, बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी आ रही थी कि SBI CBO की जॉब प्रोफाइल क्या है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो ये CBO की जॉब है वो मार्केटिंग के लिए हायर किए जा रहे हैं CBOs, बट मैं आपको बता दूं कि SBI CBO की जो पोस्ट है वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ मार्केटिंग वगैरह के लिए नहीं है। जो SBI PO की पोस्ट है सेम वही CBO की पोस्ट है। डिफरेंस बस इतना है कि जो POs ज्वाइन करते हैं स्टेट बैंक में उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो फ्रेशर्स होते हैं, और जो CBO ज्वाइन करते हैं वो 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ स्टेट बैंक में ज्वाइन कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि PO में स्टेट बैंक ने 2 साल का प्रोबेशन रखा है जबकि CBO में केवल 6 मंथ्स का प्रोबेशन रखा है। अब अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि 6 महीने बाद अगर आप एज अ CBO ज्वाइन करते हैं तो 6 मंथ्स बाद आपका क्या रोल होगा, आपको क्या काम करना होगा बैंक में, मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे आपको कि ये जॉब जो है वो मार्केटिंग बेस्ड जॉब है या आपको मार्केट में भेजा जाएगा मार्केटिंग करने के लिए। जैसे कि ये HDFC और एक्सिस बैंक, ये सारे प्राइवेट बैंक हायर करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एज अ CBO ज्वाइन करते हो 6 मंथ्स का आपका प्रोबेशन रहेगा, उसमें आपके पास ऑफिसर्स की पावर नहीं होगी, उसमें आप एंट्री बेसिस का जो आपका काम है वो सीखेंगे, और 6 मंथ्स बाद जब आप कंफर्म हो जाएंगे देन आपको रोल असाइन होगा जो बाकी ऑफिसर्स को होता है, जो कि POs को 2 साल बाद रोल असाइन होता है, वो आपको 6 मंथ्स बाद ही असाइन हो जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी 2 साल किसी बैंक में जॉब करके आ रहे होंगे। मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम और भी ज़्यादा टाइम आप हो सकता है किसी बैंक में जॉब करके देन SBI CBO ज्वाइन कर रहे हो। तो 6 मंथ्स बाद आपको एडवांसेस की सीट मिल सकती है, आपको एडवांस में काम करना हो सकता है, या आपको अकाउंट्स में सीट मिल सकती है, आपको सर्विस मैनेजर बनाया जा सकता है, या कैश ऑफिसर की सीट मिल सकती है, मतलब आपको चेस्ट इंचार्ज भी बनाया जा सकता है। डिपेंड करेगा कि आप किस ब्रांच में पोस्टेड हो, वहाँ किस सीट की रिक्वायरमेंट है, कौन सी सीट वहाँ पे खाली है, वही सीट आपको मिल जाएगी। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र भी हुआ है 6 मंथ्स के बाद CBOs में, ट्रांसफ़र होके उन्हें किसी पास में ही कोई और ब्रांच में कंफर्मेशन के बाद पोस्टिंग दी गई है। तो आप बिल्कुल भी दिमाग में ये मत लाइए कि मार्केटिंग बेस्ड जॉब है और PO से बहुत अलग है, कुछ अलग नहीं है, टोटली सेम काम है आप दोनों का, PO हो या CBO। आपको 6 महीने बाद आपकी सीट मिल जाएगी एडवांसेस की या अकाउंट्स की, या मे भी हो सकता है आपको कोई बैक ऑफिस में सीट मिल जाए जो कि लोन डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, हो सकता है वहाँ पे आपको प्रोसेसिंग ऑफिसर की सीट मिल जाए। डिपेंड करता है कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और रही बात मार्केटिंग की या इंश्योरेंस पॉलिसीज सेल करने की, तो इस समय जो बैंक का जो भी पोर्टफोलियो जा रहा है, तो कोई भी पोस्ट में आप हैं आपको क्रॉस सेलिंग करनी ही करनी है। क्रॉस सेलिंग बहुत बहुत ज़्यादा बैंक्स में क्रॉस सेलिंग होने लगी है, तो टारगेट्स आते हैं वो तो आपको करने ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि CBO में ज्वाइन किया है तो आपको सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचनी है, आपको एक ऑफिसर का वहाँ पे काम करना है जो कि एक स्केल टू ऑफिसर कर रहा है, वो आपको काम मिल सकता है वहाँ पे, एडवांसेस का भी और अकाउंट्स का भी। तो ये मार्केटिंग मार्केटिंग का जो थॉट है वो आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से। प्रॉपर जो एक ऑफिसर का जॉब होता है बैंक में वही पोस्ट है, वही काम है, वही आपका पूरा बैंक में आगे जब आप प्रमोशन वगैरह भी लेंगे तो पूरा आपका वही क्राइटेरिया रहेगा जो POs में रहता है। तो ठीक है, जो भी SBI CBO की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, कंफ्यूज ना हो कि मार्केटिंग की जॉब है क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी जॉब है, आपको डायरेक्ट ऑफिसर में अपॉइंट होने को मिलेगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करिए और CBO में सेलेक्ट होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर में ज्वाइन करिए। थैंक यू।